यूपीएससी ने 28 दिन के अंदर रिजल्ट जारी किए हैं। इस बार 83.4% बच्चों ने परीक्षा पास की है। एक बार फिर लड़कियों ने 12वीं में बाजी मारी है। 88.70% छात्राएं और 79.40% छात्रों ने परीक्षा पास की है। 12वीं में दो लड़कियां एक साथ टॉपर रही हैं। डीपीएस गाजियाबाद की छात्रा हंसिका शुक्ला और एसवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर की करिश्मा अरोड़ा टॉपर रही हैं। दोनों ही छात्राओं को 500 में से 499 अंक मिले हैं। पहले नंबर पर केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 98.55% रहा, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट दूसरे नंबर पर रहा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने छात्रों को चौंकाते हुए 12वीं के परिणाम आज जारी कर दिए हैं। सभी जोन के रिजल्ट्स एक साथ जारी किए गए हैं। इस बार 1,70,00,000 कॉपी का मूल्यांकन CBSE ने किया है। इन कॉपी को 3,000 मूल्यांकन केंद्रों पर जांचा गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के छात्रों ने हिस्सा लिया। कुल 31,00,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है, जिसमें 18,10,000 लड़के और 12,90,000 लड़कियां शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे अपना रिजल्ट देखें। CBSE बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जारी किया गया है। छात्र इन वेबसाइट पर जाकर ही रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट्स चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर सबमिट करना होगा। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चली थी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे रिजल्ट देखें। रिजल्ट देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा, अपना रोल नंबर भरकर सबमिट करना होगा। अब आप रिजल्ट देख पाएंगे। आप भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अमर उजाला.com